सो गाइज, फिलहाल आए हुए हम पदमपुर, क्योंकि घर का थोड़ा बहुत सामान लेके जाना था एंड एक दो छोटे मोटे काम और थे। तो आज की शुरुआत कर रहे हैं पदमपुर से। एंड लास्ट व्लॉग में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो नेक्स्ट आने वाला वीडियो है उसके अंदर आपको कम्प्लीटली यानी जो मैंने छोटा सा एक क्लिपिंग दिखाया था उससे रिलेटेड वीडियो होगा। अगर आपने वो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। सो शुरुआत करते हैं आज के व्लॉग की। सो हे व्हाट्सअप गाइज, यू आर वॉचिंग RC17 Vlogs। जस्ट अभी आया हूँ और सारा जो काम था वो निपटा लिया। अब चलते हैं खेत की तरफ, वहाँ पे आपको वो दिखाना है क्या कुछ चल रहा है। वहाँ पे ड्रिलिंग चल रही थी बोरवेल की, तो वो दिखाते हैं कहाँ तक पहुँचे कहाँ तक नहीं। कल उसका फर्स्ट डे था और आज दूसरा दिन है, तो जाके देखते हैं कितना काम हो चुका है और कितना पेंडिंग है। A few moments later. So guys, अभी पीछे फिलहाल वर्किंग चल रही है प्रोसेस में, आप देख सकते हैं। मैंने सोचा नहीं था इतना जल्दी काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि 3-4 दिन का आइडिया लगाया था। आज है सेकेंड डे और पानी निकल गया नीचे से, मीठा है कड़वा नहीं है, पीने में अच्छा है। अभी उस बोतल में पड़ा है, मैंने अभी टेस्ट किया था। तो अब बस थोड़ा बहुत काम बचा है, उसके बाद पाइपें वगैरह डालेंगे, फिर मोटर डालनी है उसमें और फिर कम्प्लीटली पानी वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको वर्किंग दिखाता हूँ पास जाके कि किस तरह से चल रही है। देख सकते हैं ये जो पीछे है, ये अपना बाग है किन्नू का। यहाँ पे किन्नू के फ्रूट लगते हैं, उसमें अभी स्प्रे वगैरह का काम चल रहा है। और इधर अपना डैम बना हुआ है, वहाँ पे बोरिंग हुआ था और ये लगी हुई है सोलर प्लेट। इनकी जो मोटर लगी हुई है वो इस डिग्गी के अंदर लगी हुई है यहाँ पे, इससे पानी उठा के और बाग के अंदर उधर लगता है ड्रिप से। तो ये वाली जो मोटर देख रहे हैं आप यहाँ पे इस तरफ, ये वाली ये उस सोलर प्लेट से डायरेक्टली जुड़ी हुई है। यहाँ से पानी उठा के उधर फिल्टर वगैरह लगे हुए हैं, उनसे पानी जाता है उधर बाग के अंदर। और इसे भरने का जो मेन सोर्स है वो उधर नहर है, वो ब्लू वाला आप देख रहे हैं उधर दूर तक, वहाँ से पानी आता है इस नाली के ज़रिए और इसमें से होता हुआ इधर से यहाँ पे आता है इस डिग्गी के अंदर। लेकिन अपन क्या है, इसके अंदर थोड़ा बहुत मिक्सिंग करके ज़मीन का पानी भी चला सकते हैं, तो इसीलिए वो बोरिंग किया है उधर इस तरफ। यहाँ से पानी उठा के डायरेक्टली डिग्गी में आएगा और यहाँ से पानी उठा के फिर बाग के अंदर या फिर अगर खेतों के अंदर, ये पीछे दूर दूर तक अपने ही खेत है सारे, वहाँ पर वो सप्लाई होगा। तो आज का जितना भी काम था वो कम्प्लीट हो चुका है। मैं मार्केट गया हुआ था, पीछे से लगभग सारा हो गया। दूसरा दिन आज स्टार्ट किए हुए, कल तो लगभग आधा दिन काम चला था, आज पूरा दिन चल रहा है। और अभी टाइम हो रहे हैं 5:40, तो लगभग अभी अभी कंप्लीट हुआ है। तो एक बार मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि किस प्रोसेस से यहाँ पे कंप्लीट जो काम किया है वो किया गया है। और इसके अलावा एक और बोरवेल इसके साथ में ही है पहले, जिससे पानी निकालते थे, तो उसका पानी काफ़ी कड़वा है, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो चलिए धीरे धीरे आपको सारा कुछ मैं A to Z जितना भी प्रोसेस है वो आपको बताता हूँ। तो ये रहा अब वाला बोरवेल और ये सोलर प्लेट, और उधर वो आप जो पेड़ देख रहे हैं वो खंबा देख रहे हैं, वहाँ पर दूसरा बोरवेल है। ये वाला काफ़ी पुराना है, लगभग 20-25 साल पुराना है। तो पहले क्या होता था, पहले बड़े बड़े कुएं बनाए जाते थे और उसके साइड में यहाँ पे इसमें यहाँ पे बोर किया गया है। और जो इलेक्ट्रिक मोटर होती थी वो वाली पहले इसके अंदर यहाँ पे रखी जाती थी। काफ़ी गहरा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए नीचे पानी दिख रहा है, वो मोटर पड़ी है। और ये इधर इसका सर्किट बोर्ड है, यहाँ से इसे ऑपरेट करते हैं। ये रहा सारा, जितनी भी तारें वगैरह खंबे से डायरेक्ट यहाँ आती है। यहाँ पे स्टार्टर लगा हुआ था, वो अभी नहीं है।
वो अगर चलाना होता है तो उस टाइम यहाँ पे लगाते हैं। लेकिन अब वाली प्रोसेस इतनी लंबी नहीं है, ये तो काम काफ़ी लेंथी है और इसमें पैसे भी काफ़ी खर्च होते हैं, क्योंकि इसमें जो मोटर लगती है वो वहाँ पे बिल्कुल नीचे जाके लगानी पड़ती है, इसलिए ये अलग से कुआं बनाया जाता है। लेकिन इसका जो बोरवेल है जहाँ से पानी आता है वो लगभग यहाँ पे इस तरफ यहाँ पे किया गया है, वहाँ पे फिल्टर वगैरह डाल के और उसके पाइप फिर इसके अंदर आते हैं मोटर के अंदर, मोटर से पानी उठा के ये जो पाइप लगा हुआ है यहाँ से उसमें वो जो नाली दिखाई थी मैंने आपको वहाँ पर जाता है। थोड़ी सी वर्किंग मैं आपको इसकी भी बताता हूँ किस तरीके से ये काम करती है। ये जैसे जैसे सूरज चढ़ता है उसके अकॉर्डिंग इसकी डायरेक्शन ऑटोमेटिक अपने आप चेंज होती है। जैसे अभी सूरज ढल चुका है तो ये वापस उसी तरफ चली गई है जहाँ पे सुबह सूरज निकलेगा, तो ये अपने आप दिन में पूरे दिन में रोटेट होती रहती है टाइम के अकॉर्डिंग। तो इसका जो कंट्रोल पैनल है जहाँ से मोटर ऑपरेट होती है वो ये वाला है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से अभी चल रही है, ये ग्रीन लाइट है अभी चल रही है मोटर। और इसका ये जो मेन स्विच है ये पहले से ऑन करना पड़ता है, उसके बाद इस स्विच को ऑन करते हैं तो यहाँ से वो जो मोटर दिखाई मैंने आपको डिग्गी में वो स्टार्ट होगी और उसके बाद जो पानी है जितना भी वो जाएगा। और जस्ट इसके पीछे हमने नया ये वाला बोरवेल यहाँ पर किया है, ये अपना जितना भी ये जो पाइप देख रहे हैं आप बस इतना सा ही है, इसमें कोई कुआँ वगैरह अपने को नहीं बनाना है, क्योंकि अब जो मोटर आ रही हैं वो समरसिबल मोटर्स हैं और उनको अपने को क्या करना है, इसके अंदर ये जो पाइप देख रहे हैं इसके अंदर एक प्लास्टिक का पाइप डलेगा, उसके अंदर अपनी मोटर जाएगी और मोटर से डायरेक्टली पानी आएगा। वैसे जो पहले वहाँ पे आप देख रहे थे उस तरह की मोटरें अब नहीं चलती हैं, अब समरसिबल यानी पानी के अंदर ही वर्क करने वाली मोटरें चलती है। जैसे अभी डिग्गी के अंदर आपको दिखाई सेम वैसी एक छोटी मोटर इसके अंदर जाएगी और इसका जो कनेक्शन है वो उन्हीं सोलर प्लेट से कर देंगे उस कंट्रोलर से, तो इससे जो पाइप है वो डायरेक्टली यहाँ पे इस डिग्गी के अंदर इधर यहाँ पे लगा देंगे, जिससे पानी इसका जितना भी है वो सारा वहाँ पे चला जाए। इसकी जो वर्किंग है गाइज, वहाँ से ये जो लगा हुआ है वायर इसके अंदर एक और पाइप डली हुई है इस बोरवेल वाली पाइप के अंदर, वो ऊपर नीचे होती रहती है, जिससे कि जितनी भी मिट्टी है नीचे की वो मिट्टी निकल के यहाँ पे डाल देते हैं और उसके बाद जैसे ये पाइप अंदर जाती है धीरे धीरे फिर वो ट्राली में उधर पाइपें पड़ी आप देख रहे हैं वो ऊपर और जोड़ दी जाती हैं उसके ऊपर, यानी ऊपर के ऊपर पाइपें जोड़ जोड़ के नीचे पहुँचाई जाती हैं और अंदर वाली जो पाइप है वो मिट्टी खोद खोद के बाहर निकालती है। तो इस प्रोसेस से ये सिंपली काम करता है। ऊपर ये पुली वगैरह लगी हुई है और ये वाला जो अपना ये जो सिस्टम देख रहे हैं आप ये मशीन इन लीवर से ऑपरेट किया जाता है और इसका जो इंजन है वो ये जो गियर बॉक्स है ये सारा गियर बॉक्स है, इंजन नहीं है, जो मेन इंजन है जिसकी वजह से ये चलता है वो ये वाला है, छोटा सा इंजन है, इससे ये जितनी भी वर्किंग है वो सारी होती है। तो अब इसमें जितना भी काम था वो कंप्लीट हो गया है, सुबह इसका जो सामान है वो आएगा यानी जो पाइपें वगैरह वो आके इसमें डालेंगे और फिर इसमें डालेंगे मोटर और मोटर को फिर ऑन करके यहाँ से डायरेक्टली पानी उसकी तरफ उधर यानी डिग्गी के अंदर जाएगा। तो मिलते हैं आपको सुबह और सुबह दिखाऊंगा मैं किस तरीके से पाइपें इसके अंदर डलती है और किस तरीके से मोटर की वर्किंग होती है। सो गाइज आज है day 4 और कल जो काम हुआ था वो ये जो पाइपें आप देख रहे हैं ये फिल्टर्स तैयार किए गए थे जिन्हें उस बोरवेल के अंदर डालेंगे हम। तो ये जो आप मिट्टी देख रहे हैं ये बिल्कुल बारीक नहीं है, चीनी का जैसे पाउडर होता है बिल्कुल उस तरह से है, तो इसे फिल्टर करने के लिए ही वो फिल्टर हमने बनाए हैं। इसमें इस नेट का यूज़ किया गया है, ये जो नेट है इससे वो जो मिट्टी अभी आपको दिखाई वो फिल्टर होके जाएगी ताकि मोटर ख़राब ना हो। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो 4 फिल्टर हैं ये पूरी लेंथ के अंदर हैं और जिन पाइपों को फिल्टर बनाया गया है उनके यहाँ पे होल किए गए हैं ताकि जो पानी है वो इनके ज़रिए पाइप के अंदर जा सके। और ये वाली पाइप हैं जो ऊपर लगेंगी, ऊपर ये लेंथ के अंदर 4 पाइपें लगेंगी टोटल, वो वाली, ये वाली और ये 2, और इसके अलावा ये जो 4 फिल्टर हैं ये बिल्कुल नीचे यानी डाउन साइड में लगेंगे जहाँ पे पानी का लेवल है, तो इनके ज़रिए पानी फिल्टर होगा। तो कल पूरा दिन ये काम हुआ था और आज इन्हें उसके अंदर ट्रांसप्लांट करेंगे और उसके बाद पानी स्टार्ट होगा। यहाँ पे ये जो कंट्रोलर है इसके अंदर वायरिंग वगैरह होगी और नीचे चेंजर लगा दिया, ये चेंजर है, इससे जब भी हम इसे चेंज करके चलाएंगे तो इधर वाली साइड में वो वाली मोटर चलेगी और दूसरी तरफ करेंगे तो ये फिर बोरवेल वाली मोटर वहाँ से ऑपरेट हो पाएगी। और अभी डेविल मेरे साथ है, खेल रहा है पीछे। और उसके बाद हमने यहाँ पे ये जो मोटर है
ये इतना सा साइज़ है इसका, ये उस पाइप के अंदर जो फिल्टर अभी बनाए हुए हैं उनके अंदर डलेगी, और इसके ऊपर पाइप लगी हुई है और इसके साथ में ये जो वायरिंग है ये की गई है जिससे कि इसको इलेक्ट्रिसिटी जाएगी और ये जो पानी है वो इस पाइप के ज़रिए बाहर पंप करेगी। तो इसे डालने के लिए सबसे पहले जो वो फिल्टर्स हैं उन्हें बोरवेल के अंदर डालना पड़ेगा। पीछे जो बोरवेल हमने बना रखा है उसके अंदर वो फिल्टर और वो पाइपें जितनी भी हैं वो उसके अंदर डालेंगे, और उसके बाद उसका हम ये जो मोटर है इसका सेटअप करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे। The next day. So guys, finally, आज जितना भी सेटअप था सारा हो चुका है। तो अब जो मोटर थी मैंने आपको कल दिखाई जो कि लगाने वाली थी वो आज लग चुकी है, तो अब उसे ऑन करते हैं और फाइनली आपको दिखाते हैं किस तरह से है उसका वर्किंग। तो चलिए डायरेक्टली हम उसे ऑन करते हैं और फिर वहाँ से जो पानी निकलेगा वो आपको दिखाएंगे किस तरीके का निकलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसे कवर कर रखा है क्योंकि कल रात को बारिश हुई थी तो उसके कारण हमें इसे कवर किया, क्योंकि अभी ये नया ही है तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ पानी वगैरह ना जाए, मिट्टी वगैरह ना जाए, इसलिए कवर कर रखा है एक बार, फिर बाद में इसको हटा देंगे। तो गाइस फाइनली यहाँ पे पानी चल चुका है, ये रहा अभी चल रहा है और इसे टेस्ट करके देखते हैं फर्स्ट टाइम, क्योंकि पहले जब टेस्ट किया था वो डायरेक्टली मशीन से निकला हुआ था बट अभी ये डायरेक्ट आ रहा है ज़मीन से। जो पहले वाला बोर था उससे काफ़ी मीठा है। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये यहाँ पे रोड बना हुआ है खेत में आने के लिए, और दोनों तरफ ये जंगल टाइप का कुछ है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपने मेरे अमृतसर वाले वीडियोस देखे होंगे तो आपने उसमें एक वीडियो देखा होगा वाटरलैंड वाला, हरिके बर्ड सेंचुरी वाला, उसके अंदर भी सेम जो जंगल था उसका यही सीन था, बीच में रोड थी, दोनों तरफ पेड़ थे, सेम यही सीन यहाँ पे बन रहा है। ये देखिए दूर दूर तक वही वाला सीन है। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा हो पर मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ जाके आप उसे चेक कर लीजिएगा, काफ़ी फ़न किया वहाँ पे। उसके मुकाबले का तो नहीं है लेकिन उसके जैसा लग रहा है, बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आ रही है। इन फ्यूचर इसी तरह मैं काफ़ी सारे कंटेंट लेके आने वाला हूँ, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब तो सब्सक्राइब बटन भी चेंज हो चुका है यूट्यूब का, तो एक बार चेक कर लीजिए कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। वो चेक करने के लिए सब्सक्राइब पर टैप करके देखिए, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। एंड साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं बिकॉज वहाँ पर मैं डे टू डे स्टोरीज़ डालता रहता हूँ। इसका भी स्टोरी डाला था मैंने जब इसका वर्किंग प्रोसेस में था, तो जो व्यूवर्स वहाँ पे मुझसे जुड़े हुए हैं उन्हें काफ़ी कुछ मेरी लाइफ के बारे में पहले से ही पता रहता है वीडियो आने से पहले। जो कुछ वीडियो में मैं शेयर नहीं कर पाता वो वहाँ पे ज़रूर शेयर करता हूँ। तो मिलते हैं आप सभी को एक बिल्कुल नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा लेते हुए जय हिंद जय भारत। We'll be right back.